तो अगर मुझे ब्लॉगर बनना ही है तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी मेहनत की जाए। तो मैंने निकल गया था इस बार सेल्फी के लिए जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक गांव जो इटावा से करीब 30 किलोमीटर दूर। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि वो क्यों मशहूर है, तो वो एक है सेफी हॉस्पिटल के नाम से और दूसरा है अपनी CM अखिलेश यादव जी के नाम से। तो मैं निकल गया सेफी के लिए और उसके बाद मैं पहुंचा इटावा से। इटावा से मैंने ऑटो की जो है सेफी से इटावा से करीब 30 किलोमीटर दूर। तो ऑटो की धक्का मुक्की खाते हुए पहुंच चुका था सेफी हॉस्पिटल। तो मैंने वहां पर देखा तो वहां पर काफ़ी ऊंची इमारत बन रही थी, तो मुझे ऐसी कुछ उम्मीद नहीं थी कि यहां पर इतना भी अच्छा हॉस्पिटल होगा, क्योंकि सुना तो काफ़ी था लेकिन इतना अच्छा बना था तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मुझे वहां जाकर देखा तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही थी, क्योंकि लग नहीं रहा था मैं किसी गाँव में आया हूँ। ये बहुत ही अच्छा था और काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें थी जो वहाँ पर कर्मचारी वगैरह रहते हैं उनके लिए काफ़ी फ्लैट आवास बने हुए थे। और वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी मैंने देखा जो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट थे। उसके बाद मैं फिर निकल गया था रात में थोड़ा भ्रमण करने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना वहाँ पर नेताजी की जो समाधि थी वो मैं देखने गया था, तो मैं पास नहीं गया लेकिन मैंने दूर से ही देखी थी। तो उसके बाद मैं गया फिर अखिलेश जी यादव के मैं उनके गाँव में, तो मैंने उनके घर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से। तो उसके बाद उसकी तो सुबह और मैं चला गया था वहाँ पर जो स्टेडियम बना है, स्टेडियम भी मैंने देखा। और स्टेडियम देखा तो मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि वहाँ पर कोई भी मैच नहीं हुआ था, तो बहुत ही मुझे बेकार लग रहा था। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत वहाँ पर घूमा, मैंने सोचा कि उन्हें इसमें अंदर जाऊँ लेकिन कुछ गार्ड थे तो उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया। तो बोले कि नहीं अंदर अलाउड नहीं है, अगर से मैच हुए होते तो आप अंदर जा सकते थे। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं दूर से देख कर ही मैं फिर वहाँ से निकल आया। तो ये सब देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि स्टेडियम बहुत ही अच्छा बना था लेकिन वहाँ पर कोई मैच नहीं हुआ। तो फिलहाल देखते हैं, मैं इस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो मैं यहाँ से फिर निकल चुका था मॉर्निंग सुबह वापस अपने घर के लिए, तो मैं फिर से ऑटो में बैठ चुका था। तो आपको वीडियो कैसे लगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।